राजस्थान में बीजेपी की याचिका पर आज होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर सुनवाई करेगा कोर्ट। आज सुना सकता है दल बदल पर फैसला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आई बीजेपी। चुनाव प्रचार में उतरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज करेंगे इंदौर का दौरा। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। हरियाणा और पंजाब के बीच सुलझ सकता है SYL का मुद्दा। दोनों सरकारों ने की बातचीत की पहल। केंद्र सरकार से आज कर सकते हैं मुद्दे पर बात। भारत और नेपाल के बीच तनाव जारी। दोनों देशों के बीच आज होगी उच्च स्तरीय बैठक। भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी आपस में करेंगे बात। लिपुलेख कालापानी के मुद्दे पर आई थी रिश्तों में दरार। उत्तर प्रदेश में चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश आ सकते हैं साथ, सूत्रों के हवाले से खबर। आज सपा के नेताओं से मुलाकात करेंगे शिवपाल। पिछले दिनों कहा था चाहते हैं साथ आए सपा। उज्बेकिस्तान में आज लोगों को मिलेगी राहत। कुछ प्रतिबंधों के साथ धार्मिक गतिविधियां की जाएंगी शुरू। लोगों को मुंह पर मास्क लगाना होगा अनिवार्य। सोशल डिस्टेंसिंग का भी करना होगा पालन। सुशांत सिंह मामले को लेकर तेज हुई जांच। आज भी सुशांत के दोस्तों से पूछताछ करेगी ईडी की टीम। महाराष्ट्र सरकार ने कहा हम भी सुशांत के लिए चाहते हैं न्याय। भारत की दूसरी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल गोरखपुर में। वॉलंटियर्स के लिए गए नमूने। आज लगेगी पहली डोज। वैक्सीन में जायडस कैडिला भी शामिल। किसानों ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। कर्ज माफी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे अन्नदाता। मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। कई राज्यों से उठेगी आवाज। मध्य प्रदेश में फेल छात्रों को एक और मौका। रुक जाना नहीं योजना के तहत परीक्षा आज से। 10वीं और 12वीं के 1.5 लाख से अधिक स्टूडेंट होंगे शामिल।